हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, ये हवाई का फोन है। दोस्तों, हवाई का आपका कोई भी फोन हो, यदि अचानक आपका टच काम करना बंद कर दिया है, अचानक आपका टच हैंग हो गया है, दोस्तों आपका टच नहीं काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बस एक मिनट का वीडियो है, आप जरूर देख लीजिए, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका टच हैंग हो गया है, टच नहीं काम कर रहा है, कहीं भी टूटा फूटा नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पावर बटन को आपको कुछ टाइम तक प्रेस करके दोस्तों रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है रिबूट और रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे टच नहीं काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको जो है पावर बटन आप जो है 10 सेकंड तक प्रेस करोगे तो आपको जो मोबाइल है स्विच ऑफ हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। दोस्तों, 10 से 15 सेकंड तक आप लगातार इसे प्रेस करके रखना है। दोस्तों, एक बार हो सकता है आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों, तो इसे 10-15 सेकंड तक आप जब प्रेस करके रखोगे तो आपका मोबाइल जो है रिबूट होगा, रिस्टार्ट होगा। दोस्तों, उसके बाद हो सकता है कि आपके मोबाइल का टच काम करने लगे। दोस्तों, यदि आपका टच मतलब हैंग हो गया है तो 100% आपका टच काम करेगा दोस्तों, और यदि आपका टच खराब हो गया है तो नहीं काम करेगा। दोस्तों, बस एक मिनट का वीडियो। दोस्तों, आपको पावर बटन को जो है 10 से 15 सेकंड तक आप प्रेस करोगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रिबूट होगा, मतलब रिस्टार्ट होगा, स्विच ऑफ होकर ऑन होगा। उसके बाद आप अपना टच चेक करोगे तो आपको जो है काम करने लगा। दोस्तों, यदि आपका टच खराब नहीं होगा तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पे देखिए, हमारा फोन जो है ऑन हो गया, यहाँ पे हमारा जो है टच काम करने लगा। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।